अच्छा जी, जनरल साइंस एनेबिलिटी का सीसी 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया था, 7 हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7-8 का ए पार्ट। अब इसकी अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर ने आपको ऑप्शंस खुद ही दिए हुए हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब ये सवाल में ये कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड है, और उसका एक आसान सा फार्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पहले वाले में कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, और वो कह रहा है बस स्टॉप पर आवर, कितने मिनट्स तक एक घंटे में डिले हो रही है, स्टॉप कर रही है। तो अगर हम पहले वाले में कंटिन्यू करते हैं कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 54, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 54, और डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, और टाइम कितना हम अज्यूम कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से 1 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, वो ऑब्वियसली होगा एक्स इज इक्वल टू 54 किलोमीटर। एक घंटे में अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो ऑब्वियसली हम 54 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, पर अगर हम स्टॉप कर रहे हैं फिर हमें यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखें, जब हमने स्टॉप किया तो स्पीड कितनी होगी 45, एवरेज स्पीड जो होगी वो 45, डिस्टेंस आपको पता है वो कितना है 54, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम आपको मालूम करना है कि आप स्टॉप करने की वजह से टाइम कितना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 54/45। अब ये क्योंकि टाइम जो आपके पास आएगा वो किस में आएगा, पर आवर में आएगा, पर हमें टाइम किस में चाहिए, पर मिनट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 60। आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए 15 का टेबल लगाते हैं 3 times, और 15 का टेबल इस पर 4 times, 3 का टेबल इस पर 3 × 3 और 3 × 3 और बाकी 2 = 24 और 24 पे 8। अब 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब कितना हुआ 72 minutes। ठीक है जी, 72 मिनट्स इंक्लूडिंग स्टॉपेज, तो स्टॉपेज की वजह से हमें कितने मिनट्स ज़्यादा लगे 60। एक घंटे में वैसे हम 54 करते पर स्टॉपेज की वजह से हम 72 मिनट्स में कर रहे हैं, पहले 60 मिनट में अब 72 मिनट्स में। तो कितने मिनट्स पर आवर हम स्टे कर रहे हैं, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, पर आवर के हिसाब से हम एक घंटे के हिसाब से कि इसके में कितना कर रहे हैं 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स, तो आपका ऑप्शन क्या होगा ये वाला सी, 12 मिनट्स हम एक्स्ट्रा जो है वो स्टे कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो ये आपको आई गेस समझ आ गया होगा, आसान सा फॉर्मूला है।